London Olympics in 2012. So you can imagine how ahead of time he was with his vision. Every Indian has to have that vision. We have achieved a great success in food, clothing. But now, in fact, just day before yesterday, I was sharing with Dr. Sharma that one of the four Hinduja brothers was talking that the real and their richest Indian family in the world, that one of the requirements of the future is that just like the PhD chamber says, we are a chamber which promotes MSMEs, promotes small, medium, micro industries. Similarly, what are our agricultural holdings? We are not like USA where they have huge farms, ranches, they have mechanized labor and made a success. We have to think of the Indian model where micro holdings less than 1 hectare have to become an industry. It is not an impossibility. You have seen it before your eyes. You and I are recipients of that white revolution where people used to say ki hum log gaay bhains ghar mein palte hain, doodh mil jaye to acha hai, par India mein अगर दूध सबको मिल पाता तो बच्चे भी कितने नौजवान होते, कितने बली होते, मतलब बली इन द सेंस ऑफ बलवान होते. नाउ दे हैव मेड अमूल बिकेम एन इंडस्ट्री. नाउ वेलका, ऑल दी स्टेट्स हैव गॉट देयर ओन कोऑपरेटिव्स आल्सो व्हिच आर फंक्शनिंग लाइक कंपनीज. दे हैव कॉर्पोरेटाइज्ड देमसेल्व्स. कोऑपरेटिव्स हैव कॉर्पोरेटाइज्ड. अमूल का दूध भी अच्छा है, घी भी अच्छा है, मक्खन भी अच्छा है और अमूल की एडवर्टाइजिंग भी सबसे अच्छी है. वो बिल्कुल मैच करती है, बिल्कुल कॉम्पिटिशन देती है हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी की एडवर्टाइजिंग को और यही उसका उसकी सफलता है. तो हम लोगों को कहीं पर सोचना है अपने चेम्बर को कि हम लोग कैसे एग्रीकल्चरल जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको अपनाएंगे और उनको सफलतापूर्वक एक इंडस्ट्रियल रूप देंगे जहां पे वो हिस्सेदार होंगे देश की प्रगति में, खाने में, खाद्य पदार्थों की उपज में. और हमारे बच्चे कितने हैं आजकल वही फिर की बात है कि देयर सेइंग कि मे बी आर चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग ऑल दी नरिशमेंट दैट दे डिजर्व. बिलीव मी, वन पार्ट ऑफ द चाइनीज एक्सपेंशन इन द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर देयर इकोनॉमिक पावर एंड मे बी फॉर डिफेंस पर्पसेस, मे बी फॉर सम अदर पर्पसेस, बट वन ऑफ दीज पर्पसेस इज सोर्सिंग फूड. बिकॉज अ रिच पॉपुलेशन ईट मच बेटर, दे ग्रो मच बेटर. We cannot have children who are malnutrition, malnourished. We must give them food just as we have made clothes now in abundance. We have caught up with the fashion of the world ki jahan pe jeans phati bhi bolte ye fashionable hai. Pehle hota tha ki kapda pehne ko nahi hota tha, ab ye ho gaya itna kapda hai ki phati bhi jeans ka bhi ek fashion aa gaya hai. तो वी नीड टू चेंज. हम लोग इतना इतने खाने की उपज करें और छोटे छोटे फार्म को कैसे इंडस्ट्रियलाइज करें. फार्म लॉ बिल्कुल सही थे पर शायद हमारी कम्युनिकेशन में कहीं पे कमी रह गई और फार्मर्स को खुश रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ही उपज करते हैं. और इंडिया में अभी भी होल्डिंग छोटी है और सबको गुजारा करना पड़ता है. जितनी उनकी तरक्की होगी उतनी ही देश की तरक्की होगी. तो इसलिए हम लोग अब एक नया मिशन शुरू करें कि चेंबर ऑफ कॉमर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरह, एसएमई की तरह स्मॉल फार्मर कैसे अपनाएं, उनको कैसे इंडस्ट्रियलाइज करें. और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रदीप मुल्तानी जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की. हम लोग गए थे मिस्टर हरदीप पुरी को मिलने, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि सर
जितनी इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्रियलाइज करें, उनको भी अपनाएं, और जो वहां पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, हम लोग युवाओं को, युवतियों को अपनाएं, रोजगार दें, और तब देखें कि कैसी प्रगति होती है भारत में। इंडिया में तो प्रगति होती ही है, पर भारतवर्ष में पूरे रूरल एरिया में भी और एग्रीकल्चर में कैसे उन्नति हो, उनको अपनाना पड़ेगा जो इस वक्त डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट सफर कर रहे हैं। हम लोग उनसे और भी एक बात कर रहे थे कि खाना देखिए, हमने पहनना देख लिया, अब रहने की सोचनी। इस देश में अगर 2050 तक 80 करोड़ लोग शहरों में रहने आएंगे, तो अनिवार्य है कि हमें नए नए शहर बनाने पड़ेंगे। गांधीनगर बन गया, उसके पहले चंडीगढ़ बन गया, और तीसरा उदाहरण जो मिलता है आपको पूरे भारत में वो है नया रायपुर। और बघेल साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी आज शामिल होंगे कि उस शहर को भी अब कैसे बढ़ाया जाए, कि वो कैसे नया कैपिटल बने और हर एक शहर, हर एक राज्य के लिए एक नए शहरों का प्रावधान कैसे हो। हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहे हैं, पोर्ट हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पीपीपी मोड में आ रहे हैं, पर उनको प्राइवेटाइज कैसे करें वो अगला स्टेप है। आपके डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हो रही हैं, सरकार की सोच बिल्कुल खुली है। इस वक्त हमें देखना है कि हम लोग जो चैम्बर है, पीए की चैम्बर आगे बढ़ के एसोचैम हो, फिक्की हो, सीआरआई हो, वो कैसे मिलके करें कि हम लोग एग्रीकल्चरल स्मॉल होल्डिंग्स को भी इंडस्ट्री बना के कोई सफल मॉडल लेके आए, जहां पे मालूम चले कि हर एक छोटा किसान भी अपनी प्रगति देख रहा है, अपने जीवन में एक बदलाव देख रहा है। हम लोग गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले थे तो कहा था कि सर पहली चीज होनी चाहिए कि पूरी इकोनॉमी चेंज होनी चाहिए हर गांव की। कैसे चेंज होगी, वहां पे सफा पानी मिलना चाहिए कृषि के लिए भी और खाने पीने के पीने के लिए भी। तो हम लोगों ने यही सुझाव दिया था कि कम से कम 1,00,000 चेक डैम बनाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, वाटर रिसाइक्लिंग करिए, पर चेक डैम से जितना बचाव आता है हमारे गांव में, हमारे कृषि क्षेत्र में सुसाइड नहीं होनी चाहिए, बल्कि इट शुड बी प्रोग्रेस, इट शुड बी मार्किंग। हाउ डू दे बिकम शेयर होल्डर ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री मस्ट बी प्रमोटेड, क्योंकि तवज्जो है सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी सड़कें आज बन रही है उससे पहले कभी बनी नहीं। एयरपोर्ट खुले हैं, आपके पोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन या रेलवे में कितनी प्रगति हो रही है, हर रोज आपको एक इश्तेहार मिलता है कि कौन सा स्टेशन अब डिवेलप होने जा रहा है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सिमिलरली पावर, आपकी ग्रीन पावर बनी है, इतना बड़ा वो है लक्ष्य है कि हम लोग कितने गीगावाट ग्रीन पावर में बढ़ाएंगे, कितना रोजगार मिल सकता है, कितनी तरक्की हो सकती है और कितनी बढ़त हो सकती है जीडीपी में, सोचने लायक है। पर ये जमाना हम लोग थोड़े से एक कदम पीछे रखना पड़ा, क्योंकि सावधानी से बरतना पड़ा पिछले दो वर्षों में 2020 और 21 में जो ये पैंडेमिक आया, और उसने हमें ये सिखाया है कि अब आप सब ने भी कई उन लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, बिल्कुल सतर्कता निभाते हैं, पर एक ध्यान हम लोगों का और भी जाना चाहिए हमारे बच्चों की तरफ। स्कूल बंद हो गए हैं, पता नहीं कॉलेज बंद हुए कि नहीं, और आपने अपने सामने देखा है कि जो मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग, जो आईआईटी कितना उन्होंने आपको फल दिया है। अगर भारतवर्ष के भारतवासी विदेश में जाके अपना नाम कमा सकते हैं, तो हमें एजुकेशन और हेल्थ से जरूर देनी है अपनी तवज्जो।
हमको जरूर वहां पर प्रार्थना करने हैं, जरूर एग्जाम करने हैं दैट वी नीड टू प्रमोट आवर चिल्ड्रन, वी नीड टू गिव देम अ टाइम टू प्ले, टू स्टडी एंड टू एंजॉय, बिकॉज मेनी ऑफ देम हैव बीन केप्ट एट होम एंड देयरफॉर वी नाउ आस्क द स्टेट, द लीडरशिप ऑफ द चेंबर, द स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर दैट सर प्लीज गिव अटेंशन टू दीज, कम आउट विद पॉलिसीज एंड यू विल फाइंड the large membership of the PhD chamber and all the other chambers totally at your beck and call and help to implement progress and growth in the economy. Thank you. Thank you so much, sir, for the wonderful opening. It is our privilege to virtually welcome our guest of honor, Sri Shivraj Singh Chauhan ji, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. Can we have this presentation slide, please? He's going to join us virtually, and when he comes on in our line, may I request everyone to please welcome him with a big round of applause. Thank you. A very warm welcome, Sri Shivraj Singh Chauhan ji. From PhDCCI, and we look forward to hearing from you. Thank you, sir. PhDCCI के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप मुल्तानी जी, उपस्थित मेरे सभी मित्रों, आप सबका मैं मध्य प्रदेश की ताजा संगठन का की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ. हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी केवल देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, विजनरी लीडर है और एक व्यवसायिक और सारी संपन्न समृद्ध भारत के निर्माण के भगीरथ यत्न में लगे हुए और उनके नेतृत्व में देश हमारा लगातार आगे बढ़े. हम देख रहे हैं कि लगभग 2 साल से हमारा देश कोरोना की चुनौती से जूझ रहा है. हम सब सीधी रह के मुकाबले के लिए तैयार है. सावधानियों सहित आवश्यक तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं और इसलिए कोविड के संकट के दौरान ही उन्होंने एक मंत्र हमें दिया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र. जैसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया वैसे ही मध्य प्रदेश ने यह तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमने रोड मैप तैयार किया. क्योंकि देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो राज्यों को आत्मनिर्भर होना है. उनके 4 प्रमुख हमारे स्तंभ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी अधोसंरचना जिसका जिक्र भी हो रहा था, चाहे रोड कनेक्टिविटी का मामला हो या कनेक्टिविटी का मामला हो, समुद्र को मतलब जैसी सीमाओं में है नहीं. लेकिन पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक अधोसंरचना, दूसरी गुड गवर्नेंस, तीसरा हेल्थ और एजुकेशन और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार. लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात करते हैं तो उसके लिए पहले तो स्तंभ जिसकी मैंने चर्चा की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी चाहिए और दूसरा इसको अगर हम उद्योगों के संदर्भ में कनेक्ट की जाओ दीजिए नियम प्रक्रियाओं के अंदर जान रहे निवेशक न उलझे
सिंगल विंडो चाहिए, सिंगल टेबल चाहिए, लेकिन उसके हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। और मुझे बता तो खुशी है कि चाहे भौतिक अधोसंरचना हो, हमारे देश में एक हम चंबल के पेड़ों में या कभी डकैतों के आसन का राज हुआ करता था, हमारे पास पर्याप्त भूमि मौजूद है, तो हम अटल एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहे हैं। एक हमने नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला, नर्मदा जी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे मध्यप्रदेश में ये केवल एक्सप्रेस वे इनके आसपास इंडस्ट्रियल टाइप को विकसित करने के हमने चर्चा की, इंडस्ट्रियल टाउन से सही करने की हमने कोशिश प्रयास कर रहे हैं और दोनों के काम को हम तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि आपको स्किल मैन पावर भी चाहिए, ग्लोबल स्किल पार्क जैसे पार्क हम बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर हो ताकि जिनमें टैलेंट है वो अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करते कर सकें। इसे स्टेम राइट जैसे स्कूल के अंदर प्रारंभ करने का फैसला किया। मध्यप्रदेश अद्भुत राज्य है, यहाँ जल संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ खनिज संपदा, जैव विविधता अनेकों संप्रदाय के बाद, और हमारी कौशल का मिट्टा बेहतर दोहन करें। सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य है, एक मध्यप्रदेश के नौजवानों में उद्यमता के गुण का विकास हो, वो रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने, और क्या लगातार प्रयास कर रहे हैं युवा उद्यम क्रांति योजनाओं में शुरू किए, जिससे हमारे प्रदेश में अगर टैलेंट है तो सरकार के सहयोग से वो अपना छोटा उद्योग शुरू कर सके, और दूसरा देश नहीं बल्कि दुनिया में निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्य मध्यप्रदेश को बनाना। मुझे बता दो पूछिए कि देश का फार्मा हब है मध्यप्रदेश, देश का गारमेंट हब और देश का लॉजिस्टिक हब बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बता दो खुशी है कि कोविड के दौर में भी अगर आप 2019 से तुलना करें तो 2021 में हमारी औद्योगिक इकाइयों में 49% वृद्धि हुई है, इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉटमेंट के मामलों में 33% वृद्धि हुई है, निवेश जो आ रहा है प्रस्तावित उसमें 67% वृद्धि हुई है, और रोजगार में भी 39% वृद्धि हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के सफल क्रियान्वयन के कारण मध्यप्रदेश अतिरिक्त ऋण राशि का लाभ लेने वाले देश के प्रथम 5 राज्यों में शामिल हुआ। बेहतर लीडर में हमने पहला स्थान प्राप्त किया है, और इससे राज्य को 2,373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिला है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमने देवास निवेश क्षेत्र बनाया है, रतलाम निवेश क्षेत्र बनाया है, और देवास में 3,400 एकड़ में और रतलाम में 4,500 एकड़ में और जो भी क्षेत्र विकसित करने का काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में
अभी भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस पार्क की मंजूरी दी है। चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में एक बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश की। हम केवल बड़े उद्योगों की चिंता नहीं करते, बड़ा निवेश का तो स्वागत है, आए लगातार आगे रहेंगे हमारे। लेकिन एमएसएमई मतलब लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछाना चाहते हैं। फर्नीचर, टेक्सटाइल, वाय, पावर रूम, बोर्ड, नमकीन, हमारे 13 क्लस्टर स्वीकृत भारत सरकार ने किए जिस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने पर अभिनंदन है किए एक जिला एक उत्पाद, जिस जिले में की जो विशेषता है लोकल जो प्रोडक्शन होता है जैसे मंदसौर में लहसुन, बुरहानपुर में केला, निमाड़ की मिर्ची, उस पर आधारित उद्योगों को हम उस जिले में बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोकल को वोकल बनाने का प्रधानमंत्री जी का मंत्र है उसको भी हम सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने रेगुलेटरी कंप्लाइंस बर्डन को कम करने के लिए सफलतापूर्वक 1896 सुधारों को लागू करने का काम किया है। जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली के साथ इंडस्ट्री के लिए भूमि बुकिंग के लिए, लैंड बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया हमने प्रारंभ होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी निर्भय बनाने की दिशा में निरंतर हम काम कर रहे हैं। और फिर मुहासा पावे जैसे क्षेत्रों में सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का फैसला हमने लिया है। गारमेंट हम बना लीजिए मध्य प्रदेश को, हमने औद्योगिक प्रोत्साहन दी 2014 में, अनेकों आवश्यक संसाधन किए हैं। और मुझे कहती खुशी है कि त्रिपुर और देश के अन्य भागों से तेजी से गार हमें सेक्टर में लेने तक मध्य प्रदेश आ रहे हैं। कोविड को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण हमने व्यापक पैमाने पर किए और निवेश का भी उसमें स्वागत है। मध्य प्रदेश अपनी इधनॉल पॉलिसी भी जारी करती है। राज्य में हम लगभग 200 करोड़ लीटर प्रति वर्ष अधिक का इथेनॉल बनाए उत्पादित करें इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम कांत की योजना मैंने नौजवानों के लागू किया, उसका मैंने जिक्र आपको पहले किया था। मित्रों, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उसके फर्स्ट फेज में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का फैसला लिया गया। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज एक मंत्र मैंने दिया कि अगर आपको अपना उद्योग लगाना है, निवेश करना है तो 30 दिन में 30 डेज में सारी परमिशन आपको मिल जाए। और इसलिए आवश्यक जो आपको अनुमतियां चाहिए उसके लिए हमने समय सीमा तय कर दी कि कौन सी सुविधा कितने दिन में आपको मिलेगी। और तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट से जोड़ के सुनिश्चित कर दिया कि कोई देर नहीं कर सकता। तो इस दिन में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके आप, उस दिशा में जो आवश्यक कदम थे वो हमने सारे उठाए। नियम प्रक्रियाओं के मकर जाल में हम चक्कर लगाते ना रह जाए, ये हमारी कोशिश है। मध्य प्रदेश में जैसा मैंने आपको बताया निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है, सब्जी दरों पर उपलब्ध है,
मदद से बिजली के क्षेत्र में सड़क तक उपलब्धता वाला प्रदेश है उसकी कोई हमारे पास कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में पानी है, मध्य प्रदेश में इक्विपमेंट पावर है, मध्य प्रदेश में मैंटेन का नहीं है, मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे दूध में शक्कर डाल देते हैं तो दूध और शक्कर में से एक हो जाती है, वैसे मध्य प्रदेश आने वाला मध्य प्रदेश आके भारत के नागरिक तो है, मध्य प्रदेश वासी बन जाता है। मध्य प्रदेश में मैंने कहा कि एक निश्चित समय सीमा में सारी परमिशन आपको मेरे लिए सुनिश्चित किया है। हमारी जो बेटी निवेशकों को हर हालत में सहयोग करने वाली है और मध्य प्रदेश में रहती हुई जो हर महीने हर सोमवार को हमने फर्स्ट हाफ अपने निवेशकों से चर्चा के लिए ही, मुझे लगा कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट के बजाय वन टू वन जो मीट होती है हम एक दूसरे से मिलकर चर्चा करते हैं और बैठकर साथ में निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, सुविधाएं देते हैं, तो परिणाम ज्यादा प्रभावी आते हैं। और इसलिए मैं आप सबका मध्यप्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूँ। मध्यप्रदेश आइए, निवेश कीजिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में हमें सहयोग दीजिए। आप जब भी आए मैंने बताया एवरी मंडे मैं निवेशकों से मिलने के तैयार रहता हूँ। आप सबने मुझे इस कार्यक्रम को बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात फिर मैं आप सभी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए मध्य प्रदेश, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Our president would like to thank him, but if he can have him back on the feet, please. मध्य प्रदेश के लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप वास्तव में सभी स्टेट्स में सबसे पॉपुलर और लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं। आज मध्य प्रदेश भारत में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स है। जैसे आपने बताया, मैन्युफैक्चरिंग हो, एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी में मध्य प्रदेश सरप्लस में है। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, हम आशा रखते हैं कि हर प्रदेश भारत का इसी तेजी से आगे तीव्र गति से आगे जाए। आज बीट प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश नंबर वन है। इंदौर भारत की सबसे साफ क्लीनर सिटी है और जैसे आपने बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें यही इंडस्ट्री चाहती है कि यही अगर ये इंडस्ट्री को उपलब्ध हो तो ये देश आगे बहुत बढ़ सकता है। और मध्य प्रदेश इसके रोल मॉडल है। जैसे आपने ये रखा है कि भाई इंडस्ट्री कोई सेटअप करनी हो तो उस फिक्स समय में उसको परमिशन मिलती है, ये बहुत ही सराहनीय है। और सर, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और भारत को US$5 trillion इकोनॉमी बनाना है, इसमें जो रोल मध्य प्रदेश और आपके नेतृत्व में हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और हम उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं और आशा रखते हैं कि इतना बढ़िया कार्य आप हमेशा करते रहें। मैं आज PNGCCI की ओर से आपको का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे साथ आप स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव में आप आए, इसको संबोधित किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और प्रभु से कामना करते हैं आपकी दीर्घ आयु हो, मध्य प्रदेश आगे बहुत बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Can we have a big round of applause for the honorable PM? Thank you so much. Now it's our proud privilege to welcome virtually Mr. Peter Ramel, the representative to India
Your Excellencies, friends, gentlemen, this is the interview. I'm happy to join you virtually due to the technical possibilities we have now. We have now, as the Konrad Adenauer Foundation, a more than 30-year cooperation with the PhD-CCI, and I'm very sure in these more than 30 years we have achieved together quite some progress in harmony for the development of India and the Indo-German relations. The COVID-19 pandemic, which has officially already claimed around even more than 5 million lives, continues to rage in the world to varying degrees, and my country, Germany, is going back again into some kind of lockdown mode, and we have discovered a new mutation. But why am I commencing my remarks with such terrible news in Germany? I certainly don't want to dampen your high spirits, but rather point out the positive facets of the pandemic and demonstrate how they directly relate to the self-reliant India and to the Indian nation. Albert Einstein's once famously said, and I quote, "In the midst of every crisis lies great opportunity." And surely there is one in the midst of COVID-19 crisis. This great opportunity arose as the pandemic mercilessly taught us that the need of the hour lies in breaking down monopolies and making our global, as well as regional and national supply chains more sustainable and more resilient to future disruptions. It is precisely within this new imperative of resilience and sustainability that I will locate the concept of Atmanirbhara, which seamlessly connects domestic production and consumption with global supply chains. We tend to, therefore, erroneously misread India's self-reliance campaign as protectionist and inward-looking one, but rather understand it as it is intended, namely as deeply necessary program to build resilience in India's supply chains, as well as to actively seek international partnerships for India's enhanced integration into the global economy. With this in mind, New Delhi constitutes to us the words of Gerd Bourgeois, the European Parliament's appointment of trade relations to India, and I'll quote him, "India, a dream partner for our states around the world, because it is getting ever more prosperous and younger, thus offering enormous potential for growth." Having said that, I hope that all in attendance in this conclave will concur with me that the success of Atmanirbhara lies not solely in the best interest of India, but also as much for all our like-minded nations. As my home country, Germany, and the European Union as a whole are concerned, this is an opportunity for cooperation that seems to have been increasingly well grasped. The pandemic has only increased our interest in closer economic ties, and Germany and many EU member states look to diversify their supply chains to reduce their dependence on China. India's positioning itself as a solid investment alternative. Germany and India share great potential for deepening cooperation in certain key sectors, such as digitalization, green energy, innovation and new technologies, for example, artificial intelligence. Such increased investments, meanwhile, would represent a win-win situation for both our nations by accelerating India's pace towards self-reliance and simultaneously generating ever more sustainable supply chains and revenues for both our nations. But let me come to the topic, what's the role of states in this? And I would like to share some of our German experience. You might remember that end of the 19th century, Germany suddenly prospered, developed an industry, grew up with tremendous growth rates, some of them we would dream of today. And many of you might still remember the term of the German economic miracle. That would not have happened. There are other factors too, but it would not have happened without
the federal system, without federalism, the system we have, the system India has, and where the states have a small role. Of course, there are differences in the economic development between states, and there is difference in the strength of innovation and the innovation power states have. So, what is the result? We have a competition. And as we say, and most of you are business, competition is always good for innovation, for growth, and for moving ahead. If you have a kind of stable thing, there is no competition, then there is also no progress. So competition is necessary for investment, and what are the states competing for? They're competing for investment, they're competing for skilled personnel to improve and increase their economy and the well-being of the citizens of their state. So in Germany, we have a system, a mixed system of a competitive federalism, with also a kind of cooperative federalism, because in our constitution is the task of similar living conditions all over the country. I don't want to go too much into the difference of philosophy of that one, but I'd rather share with you what has worked and what has not worked so well. So to improve, when I'm talking of politics, politics cannot and should not change broad structures in a targeted manner. In our system, it has not really helped. But politics can contribute to overcome structural weaknesses by improving infrastructure and by rapid and unbureaucratic decision-making processes. Plus, to make strengthen the education sector, because every state would need skilled labor, and if one increases, for example, the system of vocational training, that is something we have done in the state, that helps a lot to attract investment if you have a skilled labor force. So that examples I can give you from Germany, what has worked and what has not worked. And I think also critical to that could be the federal tiers at city, at state level from our respective countries, from cooperative relationships like state or sister cities are understanding. The surface of this concept has only been scratched so far by the way of Stuttgart and Bangalore and Mumbai as partner cities. Recently, Aurangabad and Ingolstadt of the mobile industry are sister cities, and at state level, we have Karnataka and Bavaria since 2007, and Maharashtra and Baden-Württemberg since 2015. And I think much more needs to be done here, and make no mistake, ladies and gentlemen, these relationships are the right parts that make the wheels of inter-nation cooperation move smoothly and force progress as well as development. I'd like to conclude. The fact remains that we live in exciting times that cry out, allow for cooperation between our like-minded democratic nation, times in which we must support each other to maintain a rules-based world order. As the British poet Thomas Cole said already back in the 19th century, when was ever honey made with only one bee in a hive? One thing is clear, however, once we achieve such flawless synergy between our nations and federal states, we will not only live in an Akhmania Bavara, but indeed in an Akhmania Bhasanta. Thank you. Thank you so much, Mr. Peter Rivera, and we are ever grateful to CAS for their ongoing support in PhD endeavors, which become more successful because of your presence. Thank you again, sir. Now it is our proud privilege to welcome Shri Bhupesh Bhagwatji, the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, and may we felicitate him virtually before he addresses us. Thank you. स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव 2021 में
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में राज्यों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर देने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की आत्मनिर्भरता का विचार एक व्यापक विचार है। भारत की आत्मनिर्भरता इस बात पर निर्भर करती है कि भारतीय समाज कितना आत्मनिर्भर है। समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारें किस तरह की नीति और रणनीति अपना रही है। भारत गांव का देश है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम गांव से ही शुरू होना चाहिए, वही हमने छत्तीसगढ़ में किया है। राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर विमर्श कोरोना संकट के दौरान तेज हुआ है, लेकिन यह विचार नया नहीं है। महात्मा गांधी ने भविष्य के भारत में जब गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई बनाने की जरूरत बताई थी, तब वे आत्मनिर्भर भारत की ही बात कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब हरित क्रांति को सफल बनाने का आह्वान किया था, तब वे भी कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे। इस तरह 21वीं सदी में आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, जब किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है। इन सभी नेताओं की चिंता में हमारे गांव और हमारे किसान थे। उनकी चिंता में हमारे गांव की परंपरागत आर्थिक प्रणाली। कोरोना संकट भारत में वर्ष 2020 में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर 2018 को हमारी सरकार बन चुकी थी। हमने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपना को साकार करेगी। हमने पहले दिन से ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। हमने छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है। इसका उद्देश्य ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत स्रोतों को फिर से जीवित करना है। इस योजना के अंतर्गत हमने 10,500 से ज्यादा गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें से 7,770 से ज्यादा गौठान बनकर तैयार हो गए। इन गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करके हम ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और उद्यमता का विकास कर रहे हैं। गांव के परंपरागत कारीगरों को नए रोजगार दे रहे हैं। स्व सहायता समूहों की 80,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई है। हम पहले राज्य हैं जो गोधन न्याय योजना शुरू करके गोबर खरीद रहे हैं। गौठानों में इसके गोबर से महिलाएं जैविक खाद बना रही हैं। इसी गोबर से अब बिजली का उत्पादन भी शुरू किया जा चुका है। जल्द ही हम इस गोबर से प्राकृतिक तेल का उत्पादन भी शुरू करने वाले हैं। इस अकेली योजना ने किसानों के रासायनिक खाद पर निर्भरता खत्म कर दी है। खेत फिर से उपजाऊ हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे ज्यादा लघु उपज का संग्रहण किया है। आज गांव तरह के लघु उपज हम आदिवासियों से समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। इन लघु उपज का विनिर्देशन कर रहे हैं। आज हमारे जंगलों के उत्पाद पूरे भारत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे हैं। अपनी शुद्धता और विश्वसनीयता के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लघु उपज आज छत्तीसगढ़ की नई ताकत बन चुके हैं। आदिवासियों और मुनाफिकों के आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। शासन पर उनका विश्वास बढ़ा है। खरीफ की सभी फसलों, उद्यानिकी की फसलों और वृक्षारोपण के लिए हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। हर साल हमारी उत्पादकता बढ़ रही है। खेती के रकबे और किसानों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल हम लोगों ने 90 लाख मीट्रिक टन धान के रिकॉर्ड खरीदी की थी। इस साल हमने 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इस समय छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम जोशों से चल रहा है। आत्मनिर्भरता का प्रश्न भारतीय समाज के स्वाभिमान और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि हम समाज के अंतिम पंक्ति में
खड़े व्यक्ति के स्वाभिमान और आत्मविश्वास की चिंता कर पा रहे हैं तो ही हम आत्मनिर्भर भारत की बात करने के हकदार हैं। भारत की आत्मनिर्भरता का विचार और किसान विरोधी नीतियां एक साथ नहीं चल सकती। छत्तीसगढ़ में ऐसा द्वैत नहीं है, इसलिए हम सफल हैं। मुझे खुशी होती है कि आज छत्तीसगढ़ के विकास के मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है। मैं पुनः सबसे कहना चाहता हूँ कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें गांवों, किसानों, आदिवासियों, वनक्षेत्रों की ओर लौटना ही होगा। आप सभी ने मेरे विचार और अनुभव को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत। Now it is our privilege to welcome Mr. Sanjay Kumar Jha, the Honorable Minister for Water Resources and IPRD, Government of Bihar, to please give his address to the State Policy Conclave. Can we have this virtual welcome, please? Namaskar, ladies and gentlemen. At the very outset, my compliments to PNB Chamber of Commerce and Industry for organizing the state's policy conclave. You have rightly said in the invitation letter sent to me that a strong state makes a strong nation, which also underlined PNB Chamber's mission of empowering states. I am honored at this opportunity to put forth the story of Bihar and present to the esteemed audience the great changes in the last 15 years. Naturally, this has been possible because of the giant vision and towering leadership of Chief Minister Sri Nitish Kumar. It gives me immense joy to share that the Bihar model of growth has been truly unique in more ways than one, and we credit this to the commitment and passion of Chief Minister Mr. Kumar. Bihar, under the leadership of Nitish Ji, had been failing to pioneer a model of development which we call Nyay Ke Saath Vikas. Thanks to multiple interventions and a prudent planning by Chief Minister, a double-digit growth has been possible in Bihar. I take pride in telling you all that in a recent state survey conducted by India Today, Bihar has been declared most improved state overall, a point which is unfortunately misleading by some of country's leading think tanks. This is an endorsement of the series of reforms initiated by Chief Minister Sri Kumar, from round-the-clock power, enabling environment, transparent governance, and fearless ambitions. Bihar has worked with determination all these years to improve the ease of doing business and ease of people's life as well. Our commitment has matched with the resources. Bihar's annual budget size, which was of ₹23,885 crore in 2005-2006, when India came in power, and now gone up to 211,761 crore. 2020-21. The 2021-22 budget amount is ₹218,303 crore, ₹6,542 crore more than the last financial year. I wish to draw the esteemed audience attention to the stark contrast between the growth rate preceding the year Shri Nitish Kumar took over the reign of Bihar and subsequent time period. The average growth rate from 1990 to 2005
was 3.19%, which has now gone up to 11.3%. Surely this has been a result of some prudent policy intervention and rationalizing of priority. Bihar's industrial growth rate is almost 17%, which is one of the highest in the country. What does higher industrial growth mean? The demand for new products or services is on the higher side, which is only possible when people's spending capacity also enhances. Per capita income in Bihar has gone up to ₹43,822 from ₹7,900 in 2005 when we came in power. We have done exceedingly well on bijli, sadak and paani. Our record on infrastructure is equally increased. 95% road in Bihar are not only pakka but are also being linked to highway. Almost 100% households in the state have power connection. Average power supply even in village is 22 to 24 hours. One of the significant highlights of Chief Minister's visit has been the focus on green, what Honorable CM called it, Jal Jeevan Haryana. I am so pleased to share that in the last 16 years, the green cover of Bihar has gone up to from 9% to 17%. After Jharkhand was carved out of Bihar, we were left with only 9% green cover. With a rare commitment, we have taken this to almost double the figure, and that is a huge achievement. No one can ever deny the fact that safe and readily available water is important for public health. Even substantial sustainable development goal target 6.1 of the United Nations call for universal and equitable access to safe and affordable drinking water. Bihar is among top 4 states of the country in providing tap water supply to households. It is pertinent to mention that Nitish Ji designed this program, Har Ghar Nal Ka Jal Program. This has helped Bihar acquire this unique distinction of among the leading states in providing rural tap water connection. Nearly 97% households have tap water supply in this. Education enables upward socio-economic mobility and is a key to escaping poverty. The state is spending over 35,000 crore on education. School environment is over 90%. Engineering colleges have been set up in all 38 districts. Bihar is the only state in India where 1.20 crore cycles have been given to women. For a state which once witnessed a large scale migration of young students, the new environment of education is highly encouraging. Empowering women has been one of the core principles of government. A large number of women are working today due to 50% reservations for them in panchayat elections, appointment of primary school teachers, and 35% reservation in other government jobs. Our flagship program like Balika Cycle Yojana have increased the enrollment of girls in secondary and secondary education. You would agree with me, when Nitish Ji started distributing cycles to girl children, it was a giant leap of faith and policy aimed at addressing decades-old mindset that did not allow our girls to flourish. I take great personal pride in sharing this story. Good health of citizens is the foundation of healthy economy. In 2006, on an average, only 39 patients visited our government hospital, the primary health center of the state every month. With diligent interventions and more confidence in the government system, today more than 10,000 patients are reaching government hospital for treatment every month. That is PHC. The Chief Minister, Sri Nitish Kumar, has always left from the front, and this has been more visible in times of crisis.
like the recent COVID management. We have fared extremely well on COVID management with holistic policy intervention that ensured not only effective mitigation but also provided sustained livelihood opportunities for those impacted by the pandemic. We made a record by administering 27,96,173 COVID-19 doses on October 2 alone on Gandhi Ji's birthday. Our agriculture reform and records are there for everyone to see. Bihar has consistently performed well in this sector. In the last 5 years, India's agriculture growth has been 2%, while that of Bihar has been at 7%. Bihar is all set for the next big leap. Today we have an encouraging environment and for investment, and we are eager to help more industries come and explore the potential of Bihar. We have set into motion an efficient and transparent administrative mechanism to assist the new industry seeking to explore possibilities here. Blessed with a fertile land, hard-working, skilled and cheap workforce, robust infra like road and good law and order, Bihar has become a big and ideal destination for potential investors. Please come and invest. Our good governance is the best guarantor you will have for your investment. I thank the PNB Chamber of Commerce industry for allowing me to share Bihar's brilliant story on the build back process. By 2030, we dream of a Bihar which shall have a more thriving economy and will be able to boast of its society, which provides equal opportunities to all the strata of society. We shall continue to seek towering guidance of our leader and finest architect of new and rising Bihar, Sri Nitish Kumar. Once again, I thank you all. Thank you so much, Mr. Kumar. A big round of applause for the Honorable Minister. May we request everyone to give a big standing ovation to our Chief Minister, Sri Ajay Ji, the Honorable Minister of State for Defence and Tourism. A warm welcome to you, sir. And may I request our residents, Mr. Kumar, to formally welcome him to the statue. Can we have the applause coming, please? Thank you. Motani, sir, the president of PHCCI, to formally give this presidential address for the state policy conference. Thank you very much, Babaji. As the president of the PHC Chamber of Commerce and Industry, it is indeed an honor for me to welcome you all today in the State Policy Conclave 2021. PHCCI's flagship initiative on public policy, governance and industry development with focus on states and further sharing our organizational vision for the national development. So we are honored to have as a chief guest, Shri Ajay Jha, Honorable Minister of State for Defence and Tourism, Government of India. And sir, before you, we were honored to have the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivdaji Singh Chauhan Ji, who spoke to us, who addressed our gathering, and also Shri Bhupesh Bhagat Ji. And just now, Shri Sanjay Kumar Jha Ji, Honorable Minister for WRT and IPRT, Government of Bihar, also just addressed us. So, as you all must be aware, PHCCI has been relentlessly working for the socio-economic development of Indian states with an axiom: strong states make strong nations. Under the aegis of its state development council and state chapters, PHCCI essentially carries forward the mission of empowering states to strengthen India's federal structure of governance. To take the momentum further in policy space and celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav on 75th year of India's independence and its glorious journey in association with India Office of the Konrad Adenauer Stiftung
cast and supported by Invest India, the government of Madhya Pradesh and government of Chhattisgarh, PHCCI is organizing state policy conclave 2021 in virtual mode today with the theme, Is Role of State in Making Atmanirbhar Bharat? Looking back, we all Indians have a sense of pride in what we have achieved since 1947. We must celebrate a glorious journey as Azadi Ka Amrit Mahotsav and keep the resolve to continue working together for nation-making and deepening India's footprint across the globe. As a peaceful country and one of the fastest growing economies of the world, India offers a great hope today, and a concerted effort will further vitalize its prominence in the world order. When our priorities are to keep India and the world safe from the severe challenges posed by COVID-19 pandemic and unprecedented operational disruptions, we at PHCCI are determined to continue working in close tandem with the government and contribute to the whole holistic efforts for economic rebounding and serving humanity. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has come up with Atmanirbhar Bharat Abhiyan that aims to foster the local entrepreneurial ecosystem and export potential in India. While relying on self-reliance for realizing own actual potential, the Atmanirbhar Bharat Abhiyan is not aimed to lessen India's deep engagement with the rest of the world. In fact, the mission is clearly aimed to open the world of opportunities from India. In this context, PHCCI supports the prescient vision and mission in progress of Atmanirbhar Bharat Abhiyan through strengthening the base of government industry interface with an aim to ensure the best desired outcomes in the crucial areas of the economy, spanning across primary, secondary, and tertiary sectors. India is already moving on the trajectory which will lead it further to the higher and sustained economic growth, and that too superlatively supported by equity and justice emanated through the grace of its remarkable democracy, positive attributes of federalism, and success stories of states. While working for inclusive economic growth, we must also think about sustainability. We should reimagine the world as a better place to live. PHCCI's Rural Development Foundation and Family Welfare Foundation shall continue to work for making the world better through activities at the grassroots. If the above shared objectives are achieved, India will soon become a developed country. PHCCI's over 150,000 industry members are together in this mission to make such a transformation happen. As a forward-looking industry chamber, PHCCI welcomes the consultation and collaboration for making a robust and prosperous ecosystem for the country, organization, members and our officials. Moving forward, we are trying our level best to keep India's inclusive growth momentum up. In the process, we are very much open to engage with the industry fraternity across the world to carry forward the mission of creating shared prosperity, following a national principle of Vasudeva Kutumbakam. At PHCCI, we stand with the causes that support the universal interest and serve humanity. Here we look forward to getting inspiration from all corners to overcome the ongoing tough phase and come out stronger to make the region and the world better livable and suited for sustainable economic activities. PHCCI, a leading industry chamber, keeps a unique focus on public policy matters and works in tandem for fostering government industry interface in India and supporting a robust ecosystem for businesses. Through policy advocacy dialogues and publications, it pitches for further simplifying the official procedures and making them transparent at decision-making levels with greater interface of technology. With the latest vision, mission and further goals and policies, the states are pushing forth the idea of a government which governs, facilitates and encourages the citizens from diverse status to participate in economic development activities. Such a vision necessitates innovative means to achieve the desired ends. While working for inclusive economic growth, we must also think about sustainability. We should reimagine the world as a better place to live, among others. I think the following points should keep getting the support from the government and industry in India. Demographic dividend to continue reaping the benefits
our policy on population control should adjust to the times. Climate change. India should continue to inspire with its exceptionally responsible response on UN Sustainable Development Goals or global challenge goals and mitigate the risk of climate changes and effectively look at water management and environmental degradation challenges. Channeling youth energy, nation building, this shall further strengthen a participatory democracy and economy. Ease of doing business and reducing cost of this business should be the other thrust areas and our top priorities. Representing PHBCCI, India's leading national industry chamber, my submission is that we should experiment with both continuity and change in policies. It rarely happens when the aspirations of the government, industry and people are the same. We are witnessing something very positive around us. At the intersection of transformational changes, this is the time to scale up our public healthcare infrastructure. India has a Prime Minister who is on the mission of making the country achieve its true potential. Under his leadership, the government, industry and each Indian will make it happen. At the cusp of the decisive changes, we all must play a part for Atmanirbhar Bharat. We are all fortunate to contribute our level best in national interest. Through our concerted efforts, let's take our country to greater heights. Each and every Indian should get the benefits of the nation's progress. This is our vision on India's 75th year of independence and democracy. I look forward to listening to all of you and hope that the conclave deliberations will be helpful in creating positive momentum for India's growth. Thank you. Jai. Thank you, President. And now it is a proud privilege to welcome our Chief Guest for the State Policy Conclave, Sri Ajay Bharji, the Honorable Minister of State for Defence and Tourism, Government of India, and we all look forward to his inaugural address. May I have a big round of applause and welcome yourself to the podium. Thank you.